Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. ये वीडियो टाइम पीरियड सीरीज का थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने किसी आर्बिट्ररी पोटेंशियल में स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं देखा था, और सेकेंड पार्ट में कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकाला था. अगर आपने वो वीडियोज़ पहले नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. CSIR नेट चार तरीके से टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम उसमें से थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे. आज हम देखेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम अगर लीनियरली एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो तो उसका टाइम पीरियड कैसे वेरी होता है, और फिर उसे CSIR नेट के क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके इजीली सॉल्व भी करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एक सिंपल पेंडुलम अगर ऑसिलेट करे देन वी नो उसका टाइम पीरियड होता है 2π√LYg. अगर आप सोच रहे हैं ये तो काफ़ी अलग है कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड से, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल पेंडुलम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है ये. तो यहाँ पे आई है ml² हमारे केस में, और डिस्टेंस डी है एल, जो कि देगा सेम टाइम पीरियड एज ऑफ द सिंपल पेंडुलम. नाउ लेट दिस सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव्स विद एक्सेलरेशन ए नॉट, जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो अब हमारा टाइम पीरियड होगा t=2π√√LYg effective, वेयर जी इफेक्टिव इज द वेक्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ जी एंड ए नॉट वेक्टर. तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और ये एक लिफ्ट में है जो कि नीचे जा रही है विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट. तो इसके लिए हमारा जी इफेक्टिव होगा जी वैक्टर माइनस ए नॉट वैक्टर, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं तो कोस जीरो हमें वन देगा और हमारा जी इफेक्टिव बन जाएगा जी माइनस ए नॉट, और हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा t=2π√LYg−a0. और अगर यही लिफ्ट अगर ऊपर जाने लग जाए विद द सेम एक्सेलरेशन ए नॉट, तो अब हमारा जी इफेक्टिव होगा जी वैक्टर माइनस ए नॉट वैक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, जो अब देगा जी इफेक्टिव g+a0. और हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा t=2π√LYg+a0. तो आइए देखते हैं CSIR नेट का क्वेश्चन, जो कि जून 2014 में पूछा है. क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टी. द बॉब इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड √3g इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अज्यूमिंग स्मॉल ऑसिलेशंस द मीन पोजिशन एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द बॉब विल बी. और ये हमारे चार ऑप्शंस हैं. तो गिवन है एक सिंपल पेंडुलम जिसका अंडर ग्रेविटी टाइम पीरियड है टी, लेट इक्वल टू दिस. और अब बोला है कि एक एडिशनल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड √3g है. तो अब टाइम पीरियड क्या होगा और इस मीन पोजिशन से उसका एंगल क्या होगा बताना है. तो चलिए देखते हैं. इस एडिशनल एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉब थोड़ा सा आगे जाएगा और नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी. सो लेट हमारी जी इफेक्टिव कुछ इस डायरेक्शन में होगी, विच मेक्स एंगल थीटा विद द मीन पोजीशन. जी इफेक्टिव निकालते हैं जो कि होगी सेम जी वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर, दोनों एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो जी इफेक्टिव बन जाएगा 2g. और हमारा न्यू टाइम पीरियड बन जाएगा t=2π√LY2g, विच इज इक्वल टू आवर प्रीवियस टाइम पीरियड बाय √2. और अब वेक्टर ट्रायंगल प्रॉपर्टी को यूज करके एंगल भी निकाल लेंगे, जो कि देगा tan θ √3g/g = √3, और थीटा आ जाएगा tan−√3 = 60 डिग्री. देयरफॉर θ = 60 डिग्री टू द वर्टिकल एंड t=t/√2, विच इज मैचिंग आवर सी ऑप्शन. तो ऐसे ही सिंपल पेंडुलम को किसी भी एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखा हो तो आप उसके लिए टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन एंड लर्न द कॉन्सेप्ट, देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप ऑन द एंड स्क्रीन. प्लीज सब्सक्राइब द फिजिक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सॉल्यूशंस. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.